दोस्तों श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों आज हम आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनकर मुख्य द्वार का बहुत ही अचूक और रामबाण उपाय आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों ये उपाय आपको इतनी जल्दी अमीर बना देगा कि आप खुद सोचकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों बस मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं, ये आज हम आपको पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर काफी अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों घर का मुख्य दरवाजा आपकी किस्मत को चमका सकता है, बस आपको कुछ छोटे छोटे आसान उपाय करने होंगे, क्योंकि इन्हीं उपायों को आजमाकर लाखों लोग अमीर बन गए हैं। इन उपायों में से सबसे खास उपाय है घर के मुख्य दरवाजे पर पानी छिड़कने का। इसके साथ साथ हम कुछ और आसान उपाय बताएंगे जिनको आप सिर्फ 21 दिन अजमाकर देखिए, निश्चित ही आपको आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव होगा जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे को घर के अन्य दरवाजों से बड़ा रखना चाहिए, यह नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है। साथ ही दरवाजा क्लॉक वाइज यानी कि घड़ी की दिशा में खुलता हो, यह घर की समृद्धि के लिए बहुत ही शुभ होता है। यह भी ध्यान रखें कि यदि मुख्य दरवाजा काफी ऊंचाई पर है और आपके रास्ते पर जाने के लिए सीढ़ियां बनवानी पड़े तो सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए। अगर दोस्तों घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी बनी रहती है, घर में आए दिन धन से जुड़ी समस्या आती रहती है, तो दोस्तों उसके लिए आपको किसी भी शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन या अष्टमी के दिन या एकादशी के दिन एक अचूक और रामबाण उपाय आपको करना है। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको रात्रि में सोने से पहले अपने सिराने एक तांबे के पात्र में एक लोटा जल भरकर उसमें रखना है, ठीक है। उस एक लोटा जल में आपको 5 तुलसी की पत्तियां डालनी है। अब देखिए जब आप 5 तुलसी की पत्तियां इसमें डालें तो आप रात्रि के समय तुलसी की पत्तियों को न तोड़ें। आप थोड़ी देर पहले उजाले में सूर्य डूबने से पहले आप 5 तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख लें और फिर आप रात्रि में इन्हें लोटे में डालकर अपने सिराने रखकर सो जाएं। अगले दिन दोस्तों सुबह उठकर आप इस लोटे को अपने घर के मुखिया के सर के ऊपर से 21 बार मार लें। जो भी घर का मुखिया हो, जो घर में पैसे कमा कर लाता हो या कोई कारोबार करता हो, व्यापार करता हो, उसके सर के ऊपर से आपको 21 बार इसे घुमाकर आप इस जल को किसी पीपल के पेड़ के पास ले जाएं और दोस्तों पीपल के पेड़ की एक परिक्रमा लगाते हुए आप थोड़ा थोड़ा जल पीपल के पेड़ के चारों ओर फैला दें। अब देखिए बचा हुआ जल है, उस जल को घर लाकर आप सबसे पहले अपने घर के मुखिया के जिसके ऊपर से आपने 21 बार इस लोटे को वारा था उसी के सर के ऊपर सबसे पहले थोड़ा सा जल छींट दें, फिर बाकी का जल अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छींट दें। दोस्तों इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही जो भी व्यक्ति घर में पैसे कमा कर लाता है उसकी बुद्धि का भी विकास होता है, साथ ही साथ उसकी बुद्धि भी सुधर जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है। इस उपाय को करने से दोस्तों घर में पैसे की आवक बढ़ने लगती है। साथ ही दोस्तों पूज्य गुरु जी के अनुसार प्रतिदिन घर की महिला को सुबह उठकर सबसे पहले घर में झाड़ू लगाकर मुख्य द्वार पर भी झाड़ू लगाना चाहिए। इसके बाद द्वार के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा शुद्ध जल छिड़कना चाहिए। इसके साथ ही घर के द्वार एवं खिड़कियाँ खोल देनी चाहिए, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होती है और हर प्रकार की नकारात्मकता दूर रहती है। जिस घर में हमेशा अंधेरा रहता है यानी बाहरी प्रकाश नहीं आता है, वह विभिन्न प्रकार के वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अगर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर छिड़काव किया जाए तो इससे अप्रत्याशित होता है, इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर के लोग भी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि तांबे को पवित्र माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी इसका काफ़ी महत्व है। डॉक्टर और वैद्य भी रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह इसका पानी पीने की सलाह देते हैं, इसके कारण स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में तांबे के लोटे से मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करने से घर के बाहर मौजूद कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं, इससे घर के आसपास का वातावरण तो साफ होता ही है। वास्तु के इस उपाय से घर में धन धान्य की भी वृद्धि होती है और घर में खुशियाँ आती है। अगर छिड़काव करने वाले पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला लें तो इसका लाभ कई गुना तक बढ़ जाता है। तो दोस्तों अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए ये उपाय अच्छे लगे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से
हर हर महादेव या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि दोस्तों आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी महादेव पूरी कर दें।